प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर बीएससी पार्ट फर्स्ट कक्षा का वनस्पति विज्ञान का पेपर थर्ड टेडोफाइटा एंड पेलियोबॉटनी का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इस पेपर के अंतर्गत पिछले कुछ यूट्यूब लेसन के माध्यम से टेडोफाइट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की है। टेडोफाइट प्लांट्स का स्पोरोफाइट एवं गेमेटोफाइट प्लांट के लक्षण पर हमने चर्चा की थी। टेडोफाइट प्लांट्स के बारे में हमने ये जाना था कि अधिकांशतः ये नम एवं छायादार भागों में ग्रो होते हैं। आज हम इस पादप समूह के बारे में ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस समूह के पादप का वितरण किस प्रकार पाया जाता है। टॉपिक का आरंभ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेडोफाइट्स, टेडोफाइट्स का वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेडोफाइट्स या टेडोफाइट का वितरण के अंतर्गत हम तीन सब टॉपिक्स में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विश्व में टेडोफाइट्स का वितरण किस प्रकार पाया जाता है, भारतवर्ष में टेडोफाइट्स का वितरण किस प्रकार मिलता है, और राजस्थान में टेडोफाइट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं और कौन से मिलते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ट्रैन 1982 के अनुसार टेडोफाइट्स पादप की संपूर्ण विश्व में 9000 जातियां एवं 240 वंश पाए जाते हैं। यह 9000 जातियां एवं 40 वंश 33 कुलों में वर्गीकृत किए गए हैं। काफमैन एवं साथियों के अनुसार टेडोफाइट्स की संपूर्ण विश्व में 10,715 जातियां पाई जाती हैं। सामान्यतः टेडोफाइट्स वर्ग के पादप नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं, परंतु विश्व में टेडोफाइट्स मुख्यतः दो वृहद क्षेत्रों में मिलते हैं, अर्थात दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अधिकाधिक टेडोफाइट्स ग्रो होते हैं, मिलते हैं। ये कौन कौन से वृहद क्षेत्र हैं? नंबर एक, दक्षिण पूर्व एशिया व मलेशिया। दक्षिण पूर्व एशिया व मलेशिया में पादप टेडोफाइट्स पादप की लगभग आधी जातियां, अर्थात 4500 जातियां मिलती हैं। दूसरा जो क्षेत्र है जहां पर अधिकाधिक टेडोफाइट्स ग्रो होते हैं वह अमेरिका व पश्चिम वेनेजुएला है। अर्थात दक्षिण पूर्वी एशिया व मलेशिया तथा अमेरिका व पश्चिम वेनेजुएला में अधिक मात्रा में टेडोफाइट्स ग्रो होते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में संपूर्ण विश्व की जातियों में से लगभग 75% जातियाँ वितरित हैं। शेष 25% जातियाँ विश्व के अन्य स्थानों पर मिलती हैं। इस प्रकार टेडोफाइट्स की विभिन्न जातियों का वितरण विश्व में असमान पाया जाता है। इस असमान वितरण के मुख्य कारक यदि हम देखें तो ये मृदीय व जलवायुवीय कारकों में भिन्नता का पाया जाना है। अर्थात मृदीय व जलवायुवीय कारक की भिन्नता के कारण ये असमान वितरण टेडोफाइट्स का हमें मिलता है। यदि भारतवर्ष में टेडोफाइट्स के वितरण की बात करें तो प्रोफेसर एसएस बीर के 1989 के अध्ययन के अनुसार भारतवर्ष में टेडोफाइट्स की लगभग 1000 जातियां पाई जाती हैं। यह 1000 जातियां भारत के उत्तरी भाग में
हिमालय पर्वतमालाएं जिनमें पूर्वी मध्य एवं पश्चिमी हिमालय सम्मिलित हैं से दक्षिणी भाग में पूर्वी व पश्चिमी घाट में अंडमान निकोबार तथा मध्य भारत में पंचमढ़ी नामक स्थान पर ये अधिकाधिक रूप से मिलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रोफेसर एसएस बीर जो कि टेरिडोफाइट्स में एक जानी मानी वनस्पतिज्ञ के रूप में विख्यात हैं उनका टेरिडोफाइट्स पर अधिकाधिक कार्य मिलता है और उन्होंने ये बताया कि भारत में ये 1000 जातियों से वितरित हैं और देश के उत्तरी भाग के हिमालय पर्वतमालाएं, दक्षिणी भाग में पूर्वी पश्चिमी घाट में एवं अंडमान निकोबार के साथ साथ मध्य भारत में पंचमढ़ी नामक स्थान पर ये अधिकाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में टेरिडोफाइट्स के वितरण की बात करें तो हम देखते हैं कि राजस्थान में टेरिडोफाइट्स कम मात्रा में पाए जाते हैं। राजस्थान प्रदेश भारतवर्ष की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है। इस प्रदेश में जलवायु अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क एवं मृदा रेतीली प्रकार की होने के कारण टेरिडोफाइट जो कि मूल रूप से नम एवं छायादार भागों में स्थानों पर अत्यधिक अनुकूलित होते हैं अतः राजस्थान में ये बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। 1890 से लेकर के 1969 तक राजस्थान में केवल माउंट आबू ही एकमात्र ऐसा स्थान माना जाता था जहां विभिन्न प्रकार के टेरिडोफाइट्स की जातियों की खोज की जाती रही। सर्वप्रथम मैककेन ने 1890 में माउंट आबू में उगने वाले कुछ फर्न्स का वर्णन प्रस्तुत किया। तदुपरांत कई वनस्पति वेताओं ने जैसे एडम ब्लेटर एवं हालबार्ग मैककेन एवं सबनिस ने माउंट आबू के टेरिडोफाइट्स का वितरण प्रस्तुत किया। बीर एवं वर्मा ने 1962 में माउंट आबू से टेरिडोफाइट की 22 जातियों की खोज की। प्रोफेसर के एम गुप्ता ने जोधपुर से मार्सिलिया इजिप्टिएका की खोज की। ये खोज राजस्थान में टेरिडोफाइट्स के पादपों के वितरण में बहुत महत्वपूर्ण खोज थी। इस खोज के साथ ही राजस्थान में टेरिडोफाइट समूह के पादपों पर विस्तृत शोध अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर टीएन भारद्वाज ने राजस्थान में पाई जाने वाली मार्सिलिया की समस्त जातियों की आकारी की एवं वर्गी की पर शोध कार्य किया अर्थात पीएचडी कार्य वर्क किया। इस शोध कार्य के फलस्वरूप प्रोफेसर के एम गुप्ता ने मार्सिलिया वंश पर महत्वपूर्ण मोनोग्राफ प्रकाशित किया। मोनोग्राफ का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मार्सिलिया की विभिन्न प्रकार की जो लक्षण हैं जिसमें मार्सिलिया की आकारी की मार्सिलिया की वितरण मार्सिलिया की जो है वो आंतरिक संरचनाएं एवं समस्त प्रकार की जानकारियां एक पुस्तक के रूप में उपलब्ध की जाती है। इसे हम मोनोग्राफ कहते हैं। यहाँ पर मार्सिलिया वंश पर ये मोनोग्राफ प्रोफेसर के एम गुप्ता ने प्रकाशित किया। डॉक्टर पी एल मित्तल ने सर्वप्रथम माउंट आबू के अतिरिक्त राजस्थान प्रदेश के अन्य स्थानों से जिसमें अजमेर अलवर भरतपुर श्रीगंगानगर एवं उदयपुर जिले सम्मिलित हैं उनमें पाए जाने वाले टेरिडोफाइट्स के सदस्यों की खोज की। डॉक्टर मित्तल ने इन स्थानों से कुल 34 जातियों व 22 वंशों के वितरण का विवरण प्रस्तुत किया। डॉक्टर मित्तल की इस खोज के परिणाम स्वरूप राजस्थान प्रदेश के अन्य स्थानों पर टेरिडोफाइट्स के वितरण की खोज का क्रम प्रारंभ हुआ। माउंट आबू के अलावा अन्य स्थानों पर टेरिडोफाइट्स की खोज के पश्चात डॉक्टर सी वी गेना व सहयोगियों ने 1976 में राजस्थान प्रदेश के हाड़ोती संभाग व माउंट आबू से आइसोइटिस वंश की 3 प्रकारों की खोज की।
प्रोफेसर शर्मा व बोहरा ने माउंट आबू के टेरिडोफाइट्स की पारिस्थितिकी का अध्ययन किया। प्रोफेसर शर्मा एवं सहयोगियों ने 1978 में राजस्थान के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले ओफियोगुलोसम वंश की 5 जातियों की खोज की। राजस्थान में पाए जाने वाले ओफियोगुलोसम वंश की जातियों पर डॉक्टर बीएल यादव ने 1983 में शोध कार्य किया। डॉक्टर सीबी गेना व सहयोगियों ने 1979 में तहसील शाहबाद बारा जिला के निकट स्थित कुंडाखो स्थान से सिलेजिनेला की नई जाति की खोज की। इस सिलेजिनेला की नई जाति का नाम सिलेजिनेला राजस्थानेंसिस रखा गया क्योंकि ये राजस्थान के एक ही क्षेत्र में एंडेमिक रूप से मिलती है। इसलिए राजस्थान की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर सीबी गेना ने इस जाति का नाम सिलेजिनेला राजस्थानेंसिस रखा गया। ये कार्य अपने आप में राजस्थान के लिए एवं भारतवर्ष के लिए बहुत गौरवपूर्ण था। मैं यहाँ पर विद्यार्थियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि वर्तमान में डॉक्टर सीबी गेना जी का निधन हो चुका है। वो मेरे पीएचडी गाइड रहे हैं, इसलिए इस अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सिलेजिनेला राजस्थानेंसिस के नाम से जाने वाली ये नई जाति सिलेजिनेला की समस्त जातियाँ जो कि संख्या में 750 हैं उनमें सबसे छोटे आकार की जाति थी। मेरी व्यक्तिगत मुलाकातों में डॉक्टर गेना साहब ने बताया कि पूर्व में इस पादप जाति को जंगल मैनियल्स जो ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आता है उसका सदस्य माना जाता था, लेकिन विस्तृत और गहन अध्ययन जो कि गेना साहब की एक रुचि थी, उनकी कार्यशैली थी, उसके अध्ययन के पश्चात इस जाति को टेरिडोफाइट्स की नई जाति के रूप में पहचान मिली और नामकरण किया गया सिलेजिनेला राजस्थानेंसिस। इस नई जाति पर डॉक्टर एस एन शर्मा ने शोध कार्य किया। इसी प्रकार डॉक्टर गेना एवं प्रोफेसर भारद्वाज ने राजस्थान के विभिन्न भागों में आइसोइटिस वंश की 3 नई जातियों की खोज की। अर्थात सिलेजिनेला राजस्थानेंसिस के साथ साथ गेना साहब का जो योगदान है उसमें आइसोइटिस की 3 नई जातियों की खोज भी प्रमुख है। डॉक्टर यादव ने 1984 में राजस्थान प्रदेश में पाई जाने वाली ओफियोगुलोसम वंश की 5 जातियों के वितरण, आवास तथा पारिस्थितिकी पर शोध कार्य किया। डॉक्टर जाहिदा खान ने 1993 में हाड़ोती पठार में पाई जाने वाली फंस के वितरण का वर्णन प्रस्तुत किया। अब तक राजस्थान के विभिन्न भागों में टेरिडोफाइट्स की कुल 63 जातियों व 29 वंशों के वितरण की विभिन्न वनस्पति वेताओं ने जानकारी प्रकाशित की है। 1984 से 1994 में प्रोफेसर भारद्वाज एवं सहयोगियों द्वारा की गई गहन खोज से, जिनमें डॉक्टर गेना साहब भी सम्मिलित हैं, डॉक्टर गेना साहब प्रोफेसर भारद्वाज के स्टूडेंट रहे हैं, उनके अंडर में ही उन्होंने अपना पीएचडी कार्य एवं अन्य जो आविष्कार और खोज कार्य हैं वह संपादित किए हैं। उन सब ने मिलकर के ये प्रमाणित किया कि वर्तमान में राजस्थान में टेरिडोफाइट्स की कुल 36 जातियां एवं 21 वंश ही पाए जाते हैं। यहाँ पर राजस्थान में टेरिडोफाइट की कुल 36 जातियां व 21 वंश मिलते हैं। ये जातियां और वंश जो राजस्थान में पाए जाते हैं वह इस प्रकार हैं: सिलेजिनेला राजस्थानेंसिस, सिलेजिनेला रिपेंडा। सिलेजिनेला की राजस्थान में 2 जातियां पाई जाती हैं, सिलेजिनेला राजस्थानेंसिस जिनका कि जिक्र पहले आया है,
डॉक्टर सी बी गैना ने इसे 12 डिस्ट्रिक्ट के शाहबाद तहसील के कुंडहको नामक स्थान से प्राप्त किया। और जैसा कि पूर्व में मैंने बताया कि इसको ब्रायोफाइट्स के जंगल मैनियल्स का सदस्य माना जाता था, लेकिन ये स्मॉलेस्ट यानी 750 सिलेजिनेला की जातियों में सबसे छोटी जाति होती है। और सिलेजिनेला रिपेंडा जो कि सीतामाता जंगल में अधिकता से ग्रो होता है। नेक्स्ट टेडोफाइट इक्विसिटम रेमोसिसिमम, इक्विसिटम आपके कोर्स में है और इसकी एक ही जाति राजस्थान में पाई जाती है, अधिकांशतः हाड़ोती बांसवाड़ा और अजमेर के आसपास में, नसीराबाद की जो घाटी है उसके आसपास में ये पाया जाता है। नंबर 4 आइसोइटिस की 3 जातियाँ राजस्थान में पाई जाती है, आइसोइटिस राजस्थानेंसिस, आइसोइटिस रेटिकुलेटा, आइसोइटिस ट्यूबरकुलेटा। तीनों ही जातियों का जो खोज का कार्य है वह डॉक्टर सी बी गैना साहब ने किया। ओफियोग्लोसम की जैसा कि पूर्व में हमने बात की, ओफियोग्लोसम की राजस्थान में 5 जातियाँ पाई जाती है। मार्सिलिया और ओफियोग्लोसम वंश 5-5 जातियों द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 5 जातियाँ जो राजस्थान में ओफियोग्लोसम की पाई जाती है वह इस प्रकार हैं, ओफियोग्लोसम पेटियोलेटम, ओफियोग्लोसम रेटिकुलम, ओसियोग्लोसम ओफियोग्लोसम कोस्टेटम, ओफियोग्लोसम ग्रेमिनम ग्रेमिनियम और ओफियोग्लोसम न्यूडिकॉल। इसके अलावा सिरेटॉप्टेरिस थैलिक्टोट्रॉइडिस की 1 जाति, एक्टिनोप्टेरिस रेडिएटा, टेरिस विटाटा, टेरिस विटाटा टेरिस वंश आपके कोर्स में है, टेरिस विटाटा जो मुख्यतः जाति पाई जाती है। इसके अलावा ड्रैप्टेरिस कोचलिएटा और चाइलेंथस फेरिनोसा। एडियंटम की 3 जातियाँ राजस्थान में पाई जाती है, एडियंटम इंसिसम, एडियंटम केपेलिस वेनेरिस और एडियंटम फिलिपेंसी। इसके अलावा नेप्रोलेपिस कॉर्डिफोलिया, एथाइरियम फाल्केटम, एथाइरियम पेक्टिनेटम और एथाइरियम सिंपेरी, 3 एथाइरियम की जातियाँ राजस्थान में मिलती हैं। इसके अलावा जो टेडोफाइट्स मिलते हैं राजस्थान में, टेक्टोनिया मैक्रोडेंटा, एम्पिलोप्टेरिस प्रोलिफेरा, हाइपोडिमिसियम क्रीनेटम, हाइपोडिमिसियम क्रीनेटम माउंट आबू में अधिकता से पाया जाता है और ये कुओं की वाल पर पाया जाता है। बहुत सुंदर टेडोफाइट होता है, माउंट आबू में हमने इसको रूबरू ग्रो होते देखा है। इसके अलावा क्रिस्चेला डेंटाटा और बहुत सुंदर खूबसूरत गोल्डन ट्रेडोफाइट जिसे कहते हैं एस्प्लिनियम प्यूमिलम, एस्प्लिनियम प्यूमिलम केवल माउंट आबू में पाया जाता है, विश्व के किसी अन्य क्षेत्र में ये जो एस्प्लिनियम प्यूमिलम वेराइटी हाइमेनोफ्लोइडिस नहीं पाई जाती है। एस्प्लिनियम प्यूमिलम वेराइटी हाइमेनोफ्लोइडिस केवल माउंट आबू में पाई जाती है, नक्की झील के आसपास में ये ग्रो होती मिलती है। इसके अलावा जैसा कि पूर्व में चर्चा में मैंने बताया, मार्सिलिया की 5 जातियाँ राजस्थान में मिलती हैं, मार्सिलिया इजिप्टियाका, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस, मार्सिलिया कंडेंसेटा, मार्सिलिया कोरोमंडेलिना कॉम्प्लेक्स, मार्सिलिया जोधपुरेंसिस और अन्य जातियों को मिलाकर के मार्सिलिया कोरोमंडेलिना कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है। और सामान्य मार्सिलिया की पाई जाने वाली जाति मार्सिलिया माइनूटा, ये व्यापक रूप से राजस्थान में ग्रो होती है। इसके अलावा साल्विनिया ऑरिकुलेटा, एजोला पिनोटा और एरेयो स्टेजिया शूडो सिस्टोप्टेरिस नामक टेडोफाइट राजस्थान में पाए जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि 36 जातियाँ और 21 वंश जो है वो राजस्थान में
वर्तमान में हमें ग्रो करते हुए और उगते हुए मिलते हैं। पूर्व में जो तथ्य हमने यहाँ पर अभी इन जातियों के नाम के आधार पर प्रस्तुत किए हैं, उसका यदि आप सारणीबद्ध तरीके से देखें तो यहाँ पर आपके लिए सारणियाँ निर्मित की गई हैं। ये टेबुलेशन जो है वो आपको और अधिक जानकारी प्रोवाइड करेगा। ये टेबुलेशन याद करें ना करें ये महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, लेकिन ये टेडोफाइट जो राजस्थान में पाए जाते हैं उनके कम से कम जातियों और वंश के नाम अपने को याद होने चाहिए। राजस्थान में टेडोफाइट्स के वितरण की जब हमें बात करें और क्वेश्चन आए तो हमें निश्चित रूप से हमारे जो तथ्य हैं उसको इन जाति और वंश के नाम के साथ उल्लेखित किया जाना चाहिए। यहाँ पर चार स्लाइड जो है वो आपकी स्टेबुलेशन की है, जिसमें कि इन जातियों और वंश की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है और इनका प्राप्ति स्थल इसमें दिखाया गया है। ये नंबर दो, ये नंबर तीन और ये नंबर चार। इन चार स्लाइड्स के जो हमने यहाँ पर इसको सम्मिलित किया है, परिशिष्ट के रूप में आप इसे प्रयुक्त कर सकते हैं। ये पुस्तक से लिया गया जो है वो टेक्स्ट है, और यदि इस प्रकार से अपने को विशेषताएं कुछ महत्वपूर्ण प्लांट्स की, जैसे आपके कोर्स में जो प्लांट्स हैं उनकी भी याद रहती है, तब भी आपका जो है वो आंसर और टेक्स्ट बहुत सुदृढ़ हो जाता है। यदि हम राजस्थान के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली टेरिडोफाइट्स की समस्त जातियों का विवरण देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपके स्लाइड पर दिखाई दे रहा है, सिलेजिनेला राजस्थानेंसिस जो कि केवल कुंडाको के शाहबाद तहसील बारा जिला में ही मिलती है। सिलेजिनेला रिपेंडा जो कि गेपरनाथ कोटा जिला तथा सीता माता अभ्यारण चित्तौड़गढ़ जिला में पाई जाती है। यूँ कह सकते हैं कि जो कोर्स में सिलेजिनेला आपके वंश है उसकी दो जातियां राजस्थान में पाई जाती है, वह है सिलेजिनेला राजस्थानेंसिस एवं सिलेजिनेला रिपेंडा। इसके अलावा आइसोइटिस राजस्थानेंसिस, आइसोइटिस रेटिकुलेटा और आइसोइटिस ट्यूबरकुलेटा, ये तीन जातियां हैं जिनकी गेना साहब ने खोज की। ये मुख्यतः आइसोइटिस राजस्थानेंसिस सनसेट पॉइंट माउंट आबू सिरोही जिला, मेनाल भीलवाड़ा, काली मंदिर चित्तौड़गढ़ दूर आदि में पाई जाती है। आइसोइटिस रेटिकुलेटा गणेश मंदिर अटरू बारा जिला व नसिया झालावाड़ में मिलती हैं। आइसोइटिस ट्यूबरकुलेटा अटरू सोमालिया सिमलिया बंवरगढ़ गोर्धनपुरा जो कि बारा जिला में है, नसिया झालावाड़ संबल बांध दोसा मेनाल भीलवाड़ा कोदूकोटा गोलाई शाहपुरा भीलवाड़ा जिले में तथा चित्तौड़गढ़ में ये जाति पाई जाती है। इसी प्रकार ओफियोगुलसम पोडियोलेटम ओफियोगुलसम रेटिकुलम ओफियोगुलसम कोस्टेटम ओर्सियोगुलटम सॉरी ओफियोगुलसम ग्रेमिनियम ओफियोगुलसम न्यूडोकोल आदि पांच जातियां राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। स्लाइड में जो स्थान आपको दिखाए गए हैं उनको आप भले ही याद नहीं रख पाएं, लेकिन जातियों का विवरण आपको याद रखना चाहिए। जब आपको क्वेश्चन टेरिडोफाइट के वितरण पर पूछा जाता है या राजस्थान में टेरिडोफाइट पाद का विवरण वितरण एवं विवरण यदि आपसे पूछा जाता है, तब आपको इन जातियों का जो है वो ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा सिरेप्टोप्टेरिस थेलिक्ट्रोइडिस टेरिस विटाटा ड्रैप्टेरिस कॉक्यूलेटा काइलेंथस फेरिनोसा एडियंटम इंसिसम
एडियंटम कैपिलस वेनेरिस, एडियंटम फिलिपेंसे, नेफ्रोलेपिस कार्डिफोलिया, एथाइरियम फाल्केटम, एथाइरियम पल्टिनेटम, एथाइरियम सिंपेराई, टैक्टेरिया टैक्टेरिया मैक्रोडेंटा, एम्पलोप्टेरिस प्रोलिफेरा, हाइपोडिमेशियम क्रिनेटम एवं क्रिस्चेला डेंटाटा आदि टेडोफाइट्स की वह जातियां हैं जो राजस्थान में पाई जाती है। हाइपोडिमेशियम क्रिनेटम जिसको मैंने भी माउंट आबू में देखा है, बहुत ही अच्छा और शोभाकारी फैन होता है। इसके अलावा सबसे सुंदर जो टेडोफाइट है एस्प्लीनियम प्यूमिलम किस्म हाइमिनोफिलोइडिस, ये खूबसूरत फर्न केवल माउंट आबू के कुछ स्थानों पर जिसमें कि नक्की झील के किनारे अचलगढ़ व गुरु शिखर पर ही पाया जाता है। हमारे देश में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में ये फर्न केवल माउंट आबू सिरोही जिला में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि सिलेजिनेला राजस्थानेंसिस जो कि केवल माउंट राजस्थान के बारा जिले के शाहबाद तहसील के कुंडाखो स्थान पर ही मिलता है, और एस्प्लीनियम प्यूमिलम किस्म हाइमिनोफिलोइडिस केवल राजस्थान के माउंट आबू में ही पाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में पाई जाने वाली टेडोफाइट्स में मार्सिलिया मुख्यतः पाया जाता है, मार्सिलिया इजिप्टियका, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस, मार्सिलिया कंडेंसेटा, मार्सिलिया कोरोमंडेलाइना कॉम्प्लेक्स, मार्सिलिया माइन्यूटा आदि। मार्सिलिया माइन्यूटा ये अत्यधिक व्यापक वितरण के रूप में जलीय फर्न है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेडोफाइट्स उस टेडोफाइट्स का नाम बताएं जो कि सामान्यतः संपूर्ण राजस्थान में मिलता है, और आपका आंसर है मार्सिलिया माइन्यूटा। इसके अलावा साल्विनिया ऑरिकुलेटा, एजोला पिनेटा और एरियोस्टीजिया स्यूडोसिस्टोप्टेरिस आदि जो है वो राजस्थान में पाई जाने वाली टेडोफाइट्स की जातियां हैं। राजस्थान में टेडोफाइट्स के 21 वंशों में 15 वंश की केवल एक एक जाति ही राजस्थान में पाई जाती है। सिलेजिनेला वंश की राजस्थान में पाई जाने वाले टेडोफाइट्स के 21 वंशों में 15 वंश की केवल एक एक जाति ही पाई जाती है। सिलेजिनेला की दो जातियां, एडियंटम व आइसोइटिस की तीन तीन जातियां राजस्थान में पाई जाती है। मार्सिलिया व ऑफियोग्लोसम दोनों वंशों की पांच पांच जातियां इस प्रदेश में मिलती हैं। एरियोस्टीजिया, एस्प्लीनियम, एम्पलोप्टेरिस, सिरोप्टेरिस, टेरिस, ड्रैप्टेरिस, नेफ्रोलेपिस व साल्विनिया वंशों का राजस्थान में वितरण सीमित है। मार्सिलिया माइन्यूटा, एक्टिनोप्टेरिस रेडिएटा, एडियंटम इंसिसम, एडियंटम कैपिलस वेनेरिस, काइलेंथस फेरिनोसा व एजोला पिनेटा वर्ध वितरण दर्शाने वाले जातियों में सम्मिलित हैं। कुछ जातियां केवल माउंट आबू में ही पाई जाती है, जैसे कि एस्प्लीनियम प्यूमिलस, एरियोस्टेजिया स्यूडोसिस्टोप्टेरिस, टेक्टोनिया मैक्रोडेंटा, ड्रैप्टेरिस कोक्युलिएटा व एथाइरियम की तीनों जातियां केवल माउंट आबू में ही मिलती हैं। कुछ टेडोफाइट्स की जातियां जैसे सिलेजिनेला रिपेंडा, सिलेजिनेला राजस्थानेंसिस, सिरोप्टेरिस थेलेक्ट्रोइडिस, एम्पिलोप्टेरिस प्रोलिफेरा इत्यादि केवल हाड़ौती संभाग में ही पाई जाती हैं। इक्विसिटम आइसोइटिस, हाइपोडिमेशियम, एडियंटम व मार्सिलिया ऐसे वंश हैं जो माउंट आबू व हाड़ौती दोनों संभागों में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये बिंदु भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान प्रदेश में वैसे तो टेडोफाइट्स की जातियाँ बहुत कम पाई जाती है। भारतवर्ष में पाई जाने वाली टेडोफाइट्स की कुल 1000 जातियों में से मात्र 36 जातियाँ ही राजस्थान में पाई जाती हैं, लेकिन मार्सिलिया व आइसोटिस वंशों की राजस्थान प्रदेश में सर्वाधिक जातियां पाई जाती हैं। भारत में भी किसी अन्य क्षेत्र में इन वंशों की इतनी जातियां
नहीं मिलती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि राजस्थान जो कि टेरिडोफाइट्स के आवास के लिए अनुकूलित वातावरण नहीं रखता है, फिर भी माउंट आबू, हाड़ोती क्षेत्र व अन्य स्थानों पर टेरिडोफाइट्स जो है वो इस प्रकार से मिलते हैं कि कुछ जातियां जिनमें कि मार्सिलिया और आइसोइटिस हैं वह तो इतनी जातियों में यहाँ पर मिलता है कि भारत में भी ये जातियाँ नहीं पाई जाती हैं। आज आपका जो होमवर्क है वो देखें, लघु उत्तरात्मक प्रश्न नंबर 1, राजस्थान में पाई जाने वाली सिलेजनेला की जाति का नाम लिखिए। नंबर 2, राजस्थान में पाई जाने वाली सिलेजनेला की 2 जातियों का नाम लिखिए। नंबर 3, राजस्थान में सबसे अधिक टेरिडोफाइट्स किस स्थान पर मिलते हैं, उस स्थान का नाम लिखिए। नंबर 4, मार्सिलिया वंश पर मोनोग्राफ किस वनस्पति वेत्ता ने प्रकाशित किया, उस शख्सियत का नाम लिखिए। नंबर 4, राजस्थान में सर्वाधिक और व्यापक रूप से पाया जाने वाले टेरिडोफाइट का नाम लिखिए। ये मैंने अभी चर्चा के दौरान जो क्वेश्चन आए हैं उसको वहाँ पर भी वर्णित किया और यहाँ पर भी मैंने इसकी संख्या लघु उत्तरात्मक प्रश्न की बढ़ा दी गई है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न में किसी प्रकार का भी 20 शब्दों में जो आंसर बनता है वह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं वह सर्वाधिक पूछे जाने वाले या आपके ज्ञान के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनका जिक्र मैंने यहाँ पर किया है। टिप्पणियाँ लिखिए आप। नंबर 1, राजस्थान में टेरिडोफाइट्स का वितरण। नंबर 2, भारत में टेरिडोफाइट्स का वितरण। और नंबर 3, राजस्थान में टेरिडोफाइट्स पादपों की खोज में डॉक्टर सीबी गेना का योगदान। विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर डॉक्टर सीबी गेना को नमन करते हुए अपनी बात को यहाँ पर विराम दूंगा। ये पठन पाठन सामग्री COVID-19 महामारी के काल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन हेतु विषय वस्तु उपलब्ध करवाने के लिए तैयार किया गया चैप्टर है। ये केवल विषय की जानकारी सभी तक प्राप्त हो इस उद्देश्य से किया गया नॉन प्रोफेशनल कार्य है। विषय वस्तु को सुगम तरीके से समझाने हेतु इसमें प्रयुक्त कुछ फोटोज व सामग्री नेट से व बुक से लिए गए हैं। जिन उन्हें नेट पर यह सामग्री वनस्पति विज्ञान को अधिकाधिक प्रचारित प्रसारित एवं लोकप्रिय बनाने के लिए प्रस्तुत की है, उपलब्ध कराई है, प्रस्तुतकर्ता उन सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करता है, उनको धन्यवाद देता है। धन्यवाद। फिर हम इसी माध्यम से मिलेंगे। धन्यवाद।